गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते सबको। सो आज से हमारा आरएसटी एलटीआर जेटी पीजीटी बायोलॉजी जो भी अपकमिंग बायोलॉजी के एग्ज़ाम से कुछ उसके एमसीक्यूज में प्रिपरेशन देने जा रही हूँ, ये क्लास वन सीरीज़ वन है। एंड क्लास वन में हमने 11 क्लासेस से क्वेश्चंस, हमने एनसीईआरटी का जितने क्वेश्चन हैं उसके ऊपर ट्राई किया है। एंड ये क्वेश्चन आपके सीबीजेड स्पेशल क्लासेस के लिए हैं, बेस्ड ऑन द बॉटनी एंड जूलॉजी स्पेशली पहले होगा, मोस्ट प्रेफरेबल फॉर आरएसटी एलटीआर जेटी इसके लिए ही है। एंड स्टार्टिंग विथ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विथ आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फटाफट रहेंगे, क्विक रिविजन्स के लिए क्या जा रहा है, जो भी आपके डाउट्स होंगे नेक्स्ट लिए आप कमेंट करोगे तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सो वेलकम बैक टू माई क्लास बी ए डिटेलिंग, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड होपफुली सब्सक्राइब कर लेना, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। सो चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हाई प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स होते हैं, ये नॉर्मली आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स हैं हायर प्लांट्स में, फूड मटेरियल्स बोला गया है, नॉट वाटर, वाटर मिनरल्स के बारे में नहीं बोल रहे हम लोग, फ्लोएम के थ्रू जाएंगे। तो फ्लोएम में स्लीप एलिमेंट्स होते हैं, तो स्लीप एलिमेंट्स आपको क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स के लिए। फटाफट मैंने यहाँ पे आंसर बोल दिया, आपके सीप एलिमेंट्स होंगे आपके आंसर। आंसर्स के साथ ही मैंने आज का पूरा पीपीटी प्रेजेंट किया हुआ है, तो फटाफट क्विक रिविजन्स के लिए ये रहेगा, जो आपके होते हैं ना टाइम मैनेज करने के लिए एंड बोल सकते हो क्विक रिविजन्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एन्यूलर एंड स्पाइरली थिक एंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट और स्टेम इज, तो ये बोला गया है कि आपका जो एन्यूलर एंड स्पाइरली थिक एंड कंडक्टिंग मतलब थिकनिंग होता है, इसके लिए जो एलिमेंट्स रहते हैं वो कब डेवलप होते हैं, इन द प्रोटोजाइलम रूट और स्टेम में, मैच्योरिंग होने से कब होते हैं, नॉर्मली मैच्योरिंग होने से, दैट इज़ अ मैच्योरिंग, डिफ्रेंशिएटिंग वाइडनिंग एलोंगेटिंग ये नहीं चाहिए, आपके मैच्योरिंग होने से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ, पैलिसेड पैरेन्काइमा किस में एब्सेंट है, कौन से लिप्स में एब्सेंट है, तो ये आपका सोरगम, ग्राम, सोयाबीन, मस्टर्ड, इतने सारे ऑप्शंस मिले हैं, बट उसमें से आपको सरगम में ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इन बेयरली स्टेम, सॉरी बाली स्टेम, बेयरली हो गया, इन बाली स्टेम वास्कुलर बंडल्स आर, वास्कुलर बंडल्स कैसे हैं, ना क्लोज एंड स्कैटर्ड है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड है बाली में, ठीक है, बाली में, बाली के जो स्टेम पोर्शंस होते हैं वो वास्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, वास्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, ना क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड टाइप होंगे, बिखरे हुए होंगे एंड क्लोज टाइप होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन वास्कुलर टिश्यू मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कौन से प्लांट्स में आपके वास्कुलर टिश्यूज हो गए, मैकेनिकल टिश्यूज और क्यूटिकल रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉर्मली ये मेजोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हैलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स नहीं है, जेरोफाइट्स भी नहीं है, एपिफाइट्स भी नहीं है, मेजोफाइट्स में ये होता है, रिडक्शन इन वास्कुलर टिश्यू मैकेनिकल टिश्यू एंड द क्यूटिकल इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजोफाइट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वास्कुलर टिश्यूज इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स वास्कुलर टिश्यू जब फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं डेवलप्स होते हैं किससे, डेवलप फ्रॉम व्हिच पोर्शन, प्लीरोम, ये प्लीरोम से डेवलप होते हैं, नॉट पेरिब्लम, प्लीरोम होगा, प्लीरोम, ठीक है, प्लीरोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन द कम ऑफ सुगर कैन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ, देखो आप लोग सुगर कैन जानते हो, सुगर कैन में क्या होता है, जो नोट दो नोट्स के अंदर जो गैप्स होते हैं इंटरनोड, वो वेराइटीज़ में आता है, डिफरेंट लेंग्स के आते हैं, ये किस लिए होता है, कौन सा पोर्शन के लिए होता है, दैट इज़ अ इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये हमारा नोन पोर्शन है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, आपको दूसरा भी नहीं देखना पड़ेगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम, पोजिशन एक्सिलरी बर्ड, साइज ऑफ द लीफ लैमिनेट, द नोड बिलो इज इंटर नोड, ये भी नहीं है, दैट इज़ अ इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ओके, फॉर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सुइटेबल, ठीक है, नॉर्मली हम अगर क्रिटिकल स्टडी करना चाहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए प्लांट्स में, तो कौन सा पेयर सुइटेबल है, टिक पाइन, व्हीट एंड मेडन हेयर फर्न, सुगर कैन एंड सनफ्लावर, ड्योडर एंड फर्न, टिक एंड पाइन, ठीक है, नॉर्मली ये टिक एंड पाइन है, टिक एंड पाइन है। ओके, नेक्स्ट, पैसेज सेल्स आर थीन वर्ल्ड,
सेल्स फाउंड इन पैसेज सेल्स जो होते हैं वो थीन वर्ल्ड होते हैं एंड किस में देखने को मिलता है एंडोडर्मिस ऑफ द रूट फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टाइल थ्रू व्हिच द पॉलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द ओवरी फ्लोइंग एलिमेंट्स दैट सर्व एज एंट्री पॉइंट्स फॉर सब्सटेंसेस फॉर द ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लांट पार्ट्स एंड टेस्ट ऑफ द सीड्स टू एनेबल एमर्जेंस ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियोनिक एक्सिस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन तो ये आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट दैट इज द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स बोला गया जो कि रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल उसमें हेल्प करता है ठीक है ये होगा आंसर ये कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ भेसल एलिमेंट बोला गया भेसल एलिमेंट्स एंड सीप ट्यूब एलिमेंट इज जो कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है वो क्या है ई न्यूक्लिएट कंडीशन कौन सा है आँख बंद करके लिख सकते हो दैट इज द ई न्यूक्लिएट कंडीशन कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर भेसल एलिमेंट एंड सीप ट्यूब एलिमेंट्स में ई न्यूक्लिएट कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन ए वुडी डाइकोटिलेडोनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू बोला गया डाइकोटिलेडोनस ट्री है तो ये आपका फ्लावर्स फ्रूट्स लीव्स ये आपका मेनली कंसिस्ट करता है प्राइमरी टिश्यू कंसिस्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोकैम्बियम इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड एपिकल मेरिस्टेम प्रोकैम्बियम किसके बिहाइंड सिचुएटेड है एपिकल मेरिस्टेम के प्रोकैम्बियम गिव्स राइज टू क्या देता है बताओ क्या देगा आपको नॉर्मली ये आपको क्या देता है बोध देता है मतलब वास्कुलर कैम्बियम भी देता है प्राइमरी वास्कुलर बंडल भी देता है बोध देता है बी एंड सी बोथ है मतलब दोनों ही है इसलिए आपका आंसर बोथ हो जाएगा वास्कुलर कैम्बियम भी देता है प्राइमरी वास्कुलर बंडल प्रोकैम्बियम बोला गया जो कि सिचुएटेड है बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टेम तो प्रोकैम्बियम गिव्स राइज टू कहाँ से क्या देगा गिव्स राइज टू तो वो वास्कुलर कैम्बियम दैट इज द फासिकुलर कैम्बियम एंड प्राइमरी वास्कुलर बंडल तो वास्कुलर माइंड में बोलते वास्कुलर ही हो गया बट फासिकुलर कैम्बियम एंड प्राइमरी वास्कुलर बंडल नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल्स ऑफ द क्वेसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज बाय क्वेसेंट सेंटर बोला गया क्वेसेंट सेंटर में क्या होता है ना आपके जो हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लई होते हैं क्वेसेंट सेंटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियर नॉट डेंस नहीं है रेगुलरली भी नहीं है ये लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियर को कैरी करता है नेक्स्ट द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट यहाँ पर ऑप्शन है इन ऑल रूट्स ओनली इन टैप रूट्स ओनली इन रेडिकल्स ओनली इन एडवेंचियस रूट्स इन ऑल रूट्स ये सारे रूट्स में है इन ऑल रूट्स अभी देखो Which of the following is not true about sclerites? Sclerites के लिए कौन सा लाइन सही नहीं है These are groups of living cells. These are also called stone cells. These are found in nut cells, guava pulp and pear. These are form of sclerenchyma. So ये ना group of living cells है These are group of living cells. Not true बोला गया Not true. मतलब ये जो option है group of living cells, ये option इसके लिए सही नहीं है नॉट ट्रू बोला गया ठीक है ये स्टोन सेल्स हो सकता है ये नट सेल्स गुआवा पल्प पियर में भी प्रेजेंट है ये सारे स्क्लेरेंचाइमेटिक हो सकता है तो ये आपका जो स्क्लेरिट्स हैं ये क्या ट्रू नहीं है ना दीज आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन द डैश कैप्सूल ऑफ मॉस साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरेला माइसिलियम ऑफ ग्रीन मोल्ड सच एज एस्परगिलस पॉलन ट्यूब ऑफ पाइनस तो ये आपका मैं बता दूँ कैप्सूल ऑफ मॉस होगा आंसर इज कैप्सूल ऑफ मॉस में क्लोरेनकाइमा डेवलप होता है नेक्स्ट वेसल्स आर फाउंड इन वेसल्स किस में देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड द फ्यू जिम्नोस्पर्म वेसल्स नॉर्मली मैं पहले ही बोल दूँ सम जिम्नोस्पर्म नहीं है फ्यू जिम्नोस्पर्म बहुत ही कम जिम्नोस्पर्म्स में एंड मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैस्पियन स्ट्रिप्स ऑकर्स इन कैस्पियन स्ट्रिप्स कहाँ देखने को मिल जाएंगे एंडोडर्मिस में
कैस्पियन स्ट्रिप्स जो हैं ये कहाँ देखने को मिल जाएंगे, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करवाऊँगी, 10-15 मिनट का वीडियोस रहेगा हर दिन, तो वही 15 मिनट में आपको मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस दूंगी। एवरी डे ऐसे ही आएगा, आप जितना चाहो शेयर कर सकते हो, ये क्विक रिविज़न है मैक्सिमम। अगर इसका एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो वो अलग टाइम पे आएगा, बट ये क्विक रिविजन्स के लिए मैं आपको दे रही हूँ। वास्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉटिलीडन मोनोकॉटिलीडनस आर कंसिडर्ड क्लोज बिकॉज देर इज़ नो सेकेंडरी ग्रोथ। वास्कुलर बंडल्स जो मोनोकॉटिलीडन में होता है, मोनोकॉटिलीडन में देर इज़ नो सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि उसमें नो वेसल्स विथ परफोरेशन, जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड बाय फ्लोएम, ए बंडल इज सराउंड्स ईच बंडल, ऐसा नहीं है। ये आपका ऑप्शन है, आंसर सही होगा, देर इज़ नो सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट, एट मैच्योरिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड, कौन सा नॉन न्यूक्लिएटेड है? तो दैट इज़ द सीड सेल्स। सीड सेल्स आपके नॉन न्यूक्लिएटेड है, सीड सेल्स ठीक है, लिविंग आपके रहते हैं एंड सीड सेल्स हैं ठीक है। वॉट हैपन्स इन प्लांट ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन, वैस्कुलराइजेशन के समय प्लांट्स में क्या होता है? वैस्कुलराइजेशन के वक्त क्या होता है? तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड जाइलम साइमल्टेनियसली। जब वैस्कुलराइजेशन होता है मतलब वैस्कुलर बंडल फॉर्मेशन होगा, तब प्रोकैम्बियम के साथ साथ प्राइमरी फ्लोएम एंड जाइलम साइमल्टेनियसली फॉर्म हो जाता है। सो दैट इज द नंबर वन, आंसर इज नंबर वन ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रैकेट्स आर यूनिसेलुलर विथ वाइड लुमेन, ट्रैकेट्स आर मल्टीसेलुलर विथ नैरो लुमेन, वेसल्स आर मल्टीसेलुलर विथ नैरो लुमेन, वेसल्स आर यूनिसेलुलर विथ नैरो लुमेन। नहीं, ट्रैकेट्स के ऊपर ही आएंगे, ट्रैकेट्स आर यूनिसेलुलर विथ वाइड लुमेन, ट्रैकेट्स आर यूनिसेलुलर विथ वाइड लुमेन ठीक है। नेक्स्ट, फोर रेडियल वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकोट रूट। फोर रेडियल्स जहाँ पे आ गया, रेडियल वास्कुलर बंडल्स दिस आर फाउंड इन ओनली डाइकोट रूट, नॉट मोनोकोट, डाइकोट रूट होगा, स्टेम भी नहीं होगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट संकेन स्ट्रोमाटा आर फाउंड? संकेन बोला गया, नेरियम एग्जांपल याद रख लो, नेरियम है, नेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेरियम। देन देखो संकेन स्ट्रोमाटा बोला गया। जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्माटोफाइट बिकॉज दे लैक जाइलम फाइबर्स, क्योंकि उनके पास जाइलम फाइबर्स नहीं रहता। थिक वॉल ट्रैकेट्स कैम्बियम फ्लोएम फाइबर्स रह सकता है, बट जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं है? जाइलम फाइबर्स नहीं है। सो दैट उनको सॉफ्ट वुड बोला गया, सॉफ्ट जाइलम फाइबर्स ओके। इन एन एनुअल रिंग द लाइट कलर्ड पार्ट इज नोन एज अर्ली वुड। सिंपल सा चीज़ है, लाइट कलर पार्ट अर्ली वुड ही होता है। नेक्स्ट, एज ए ट्री ग्रोज ओल्डर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस मोर रैपिडली इन थिकनेस। थिकनेस में बढ़ते जाता है, जितना पेड़ बड़ा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, तो क्या बढ़ता है उसका थिकनेस, क्या बढ़ता है? हार्डवुड, हार्डवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल गिवन टिश्यूज आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन प्रोसेस एक्सेप्ट। कौन से टिश्यूज का रीडिफ्रेंशिएशन नहीं होता? सबका होता है, बट इंटरफासिकुलर कैम्बियम का नहीं होता, इंटरफासिकुलर कैम्बियम का नहीं होता ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट इज प्योरली सेकेंडरी इन ओरिजिन एंड अराइज फ्रॉम मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है ठीक है। सेल्स ऑफ पेरिसाइकल जस्ट आउटसाइड द प्रोटोजाइलम, सेल्स ऑफ कंजक्टिव पेरेंकाइमा जस्ट बिलो फ्लोएम, सेल्स ऑफ पेरेंकाइमा बिटवीन जाइलम फ्लोएम। तो यहाँ पे मोर देन वन आंसर करेक्ट है, सो दैट ये ऐसे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट डालना, तो अराइज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ प्रोकैम्बियम, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, ऑकर्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो ये पहला वाला होगा, अराइज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ प्रोकैम्बियम। सो आज 30 क्वेश्चंस था, आज के 30 क्वेश्चंस थे। इफ आपको इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो मैं रेगुलर मोड पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अपकमिंग जितने एग्जाम्स हैं सारे हम क्वेश्चंस को ऐसे क्विक रिवीजन करेंगे। एक्सप्लेनेशन वीडियोस बाद में आएंगे, इफ आपको नीड हुआ, अदरवाइज हम लोग क्विक रिवीजन ऐसे करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। एवरी डे 15-20 मिनट्स का आएगा, आज ओनली अराउंड 15 मिनट्स के हैं वीडियो। सो होपफुली अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।